आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप अपने विंडोज को एक्टिव कैसे बना सकते हैं। एक्टिव विंडोज का फायदा ये है कि आप अपने विंडोज को मतलब लॉन्गर टाइम के तक यूज कर पाएंगे। तो जो विंडोज जब एक्टिव नहीं होता है तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो विंडोज लाइसेंस है वो 6 महीने में या कुछ महीनों में एक्सपायर हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे विंडोज नॉट एक्टिवेटेड लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप ये। तो हमें तो आप ये देख सकते हैं कि विंडोज नॉट एक्टिवेटेड है, तो हमें विंडोज को एक्टिव करना है। तो हमें करना क्या होगा, कुछ चीजें हमारे को डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या डाउनलोड करना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आपको सबसे पहले करना ये होगा कि आपको WinRAR डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपका चिपसेट 64 बिट का है 64 वाला कीजिए, और अगर 32 बिट का है 32 बिट का कीजिए। मेरा 64 बिट का है तो 64 बिट का मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास है दोनों, मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। यस, और इंस्टॉल। और ये इंस्टॉल हो चुका है, देख लेते हैं। और ये ओके डन। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चलते हैं जो एक्टिव टूल है। तो एक्टिव टूल आपको साइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मेरे को अगर लिंक मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, और अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स पे मैं बता दूंगा आपको कि लिंक कैसे मिलेगा आपको। तो जो टूल है वो करीब 1-1.5 MB का ही होता है। तो आइए देखते हैं। तो जो टूल है वो ये है, विंडोज 10 KMS ऑटो लाइक। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साइट में आपको बस ये लिखना पड़ेगा और डाउनलोड लिखना पड़ेगा। तो इसको आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करते ही जो WinRAR का पेज है वो खुल गया है। तो आप समझ गए होंगे कि हमने WinRAR क्यों इंस्टॉल किया है, क्योंकि ये जो टूल है ये WinRAR से ही ओपन होता है। तो फोल्डर को क्लिक करेंगे और यस दबाएंगे, और यहाँ पे देखिए आप टूल खुल चुका है, KMS ऑटो टूल लाइट, और आपको एक्टिव विंडो दबाना है। ये देखिए प्रोसेसिंग हो रही है, एक्टिवेटिंग हो रहा है, और देखिए कंप्लीट आ चुका है। तो आपको नेक्स्ट दबाना है, एक्टिव ऑफिस भी हो चुका है। अब आपको इंफॉर्मेशन दबाना है, इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट। अब आपको नेक्स्ट करना है इंस्टॉल। तो आपको विंडोज की एक्टिवेट करना है, ऑफिस की करना है, दोनों हो चुके हैं। अब आपको थर्ड करना है, विंडोज रीएक्टिवेशन, ऑफिस रीएक्टिवेशन एंड टास्क जो चल रहे हैं उनको डिलीट करना है। तो आपका ये प्रोसेस हो चुका है। तो यहाँ पे नो को दबाइए और उसको कैंसिल कर दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो विंडोज है वो एक्टिव हुआ है या नहीं। तो हम प्रॉपर्टीज करते हैं दोबारा जैसे हमने पहले किया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विंडो जो है वो एक्टिव हो चुकी है। विंडो जो है वो यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विंडो इज एक्टिवेटेड, और जो की है चेंज हो चुकी है। ये देखिए विंडो इज एक्टिवेटेड, एंड ये है प्रोडक्ट की। तो आपने देख लिया है कि आप विंडोज को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस किसी भी विंडोज के लिए काम आ सकता है, विंडोज 7 हो या विंडो 8 हो या 8.1 हो या 8.1 प्रो हो। तो आपको बस करना क्या है कि ये जो टूल है ये आपको डाउनलोड करना है गूगल से, और आप अपने कोई भी विंडोज को एक्टिव कर पाएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और आगे की वीडियो का मजा लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।